दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय दिग्गजों ने संजू सैमसन को शामिल करने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय दिग्गजों ने ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से संजू को खिलाने को लेकर आवाज उठाई है और भारतीय दिग्गजों ने संजू सैमसन को ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज बताते हुए खतरनाक बयान जारी कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई पर भी सवाल खड़ा होने लगा और आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए संजू सैमसन को खिलाने से संबंधित क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी के बाद से विकेट कीपर की जंग और भी ज्यादा रोचक हो चुकी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसी एक खिलाड़ी को दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक का आगमन हो गया है, जिसके कारण ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बीच जंग छिड़ गई है। अब ऐसे में इस बीच दिनेश कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच अगले वर्ल्ड कप को लेकर कश्मकश शुरू हो चुकी है, जिसमें ऋषभ पंत लगातार कई मुकाबलों से बेकार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर पिछले 5 T20 और वनडे मैचों की बात की जाए तो उन्होंने मात्र 3 पारियों में 22 रन बनाए हैं और दूसरी तरफ संजू सैमसन की बात की जाए तो उन्होंने एक ही पारी में 36 रन बना दिए। ऐसे में आप संजू सैमसन को दूसरे वनडे मुकाबले में भी खेलने का मौका नहीं मिला और इसके बाद भारतीय दिग्गजों का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है और भारतीय दिग्गजों ने बयान देना प्रारंभ कर दिया। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए था, अन्यथा भारतीय टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस खिलाड़ी का फॉर्म बेकार है आप उस खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दे सकते हैं, परंतु फिर भी आप नियमों के विरुद्ध जाकर मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से संजू सैमसन के पक्ष में ही रिकॉर्ड जाते हैं। ऐसे में संजू सैमसन को टीम में खेलने का जरूर मौका मिलना चाहिए, अन्यथा भारतीय युवा खिलाड़ियों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए क्योंकि अब बहुत हो चुका है, ऋषभ पंत को बार बार मौके दिए जा चुके हैं और फिर भी ऋषभ पंत को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका और कितनी बार मिलेगा, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत को भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा कि भारतीय टीम में ऋषभ पंत से बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज बहुत हैं, ऐसे में आप घरेलू क्रिकेट से उठाकर किसी भी खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं, ऋषभ पंत ही क्यों। इरफान पठान ने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट के द्वारा ऋषभ पंत को बार बार मौके दिए जा रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संजू सैमसन सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत को मौके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि अगर ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाकर संजू सैमसन को शामिल कर लिया जाए तो भारत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से मजबूत दावेदार बन जाएगा। ऐसे में पंत की जगह संजू को खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत की जगह खेलने का मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।